भूपेन जी, कला, साहित्य और शिक्षा की अनेक विधाओं से आपने अपने आप को संवारा। आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे। गीत, संगीत, अभिनय, फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। और आप भी उस समय इप्टा इंडियन पीपल्स थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास। अमेरिका में जब डॉक्टरेट कर रहे थे जी, तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉबसन से मिलने का। पॉल रॉबसन से मिलने का ये सौभाग्य हुआ। उसके बाद उनके पीपल्स सॉन्ग जो थे, सारा दुनिया जैसे ओल्ड मैन रिवर, यू डोंट से नथिंग, यू जस्ट कीप रोलिंग अलोंग, ये सब जब सुना वहां, साढ़े चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए, तब इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे, यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर। उसमें कैफी आजमी साहब थे, सलील चौधरी थे गाने में, हम लोग क्रिएट कर रहे थे, भूपेन हजारिका आसाम में, सुरेंद्र कौर पंजाब में, जसवंत ठाकुर बड़ौदा में, इसके बाद थिएटर में शंभु मित्र, उत्पल दत्त, बलराज सहनी यहाँ बॉम्बे में, जो उसमें हम लोग एक नया कंटेंट देना चाहते थे लोक संगीत वगैरह को, फिर उद्धार करके, पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज, फिल्म, माइक्रोफोन, मोशन पिक्चर, स्टेज, तो आजादी के आंदोलन में सबके द्वारा आपने हाँ उसमें हाँ, वो तो स्वाधीनता के बाद इतना ज्यादा ये हुआ था। अब हम आके ज्वाइन किए थे अमेरिका से लौट के आए थे 52 साल में, आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया, चाय बगान है हमारा असम में, हाईएस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज असम, तो वहाँ उन लोगों का बात कह के कि टू लिप्स एंड ए बड, आदमी आज टू लिप्स और एक बड हो गया, और कौन इनको डिस्ट्रॉय करने आए हैं, ऐसा एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रांग था। तो उसी वो एक एटिकोली दुटी पाठ रतनपुर बागी साथ तेरे कोने नो सिंगीले, ओ कोने नो सिंगीले, इसे को हमारा गुलजार भाई, अच्छा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है जी, तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी। एक कली दो पत्तियां, और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं कमेंट्री दे के, तो वो भी आप सुनिए, आवाज सुने और गीत सुने जी। एक तो ये कि भूपेन दा के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है, वो तस्वीर मजमूई भी है, इनफरादी भी, यानी कलेक्टिव भी है, इंडिविजुअल भी, एक पूरा लैंडस्केप है, और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर, नुमाइंदा मजदूर, चाहे वो माहीगीर हो, रमैया मछेरा और उसकी रमणी हो, या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो, या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुगनू। क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में, एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
खिलाती, खुल के खिलखिलाती, सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, वो मोगरी जगाती, एक गली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये एक गली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी, लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई, जुगनु और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई, डाली डाली झूमी, लेके अंगड़ाई, ओ लेके अंगड़ाई, गली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां, तोड़ रही है कौन ये एक गली दो पत्तियां, रतनपुर बागीचे में। भूपेन जी, विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं, तो विश्व एकात्मता अथवा यानी विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा। जी, हम जो जब दुनिया देखे थे तो ऐसे देखे थे कि ड्रम मुंबसा से लेकर बेल्जियम कांगो तक अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं, ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे। इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिसिसिपी में सुना, डोंट क्राई माय मेलंकोली बेब, डोंट क्राई, मत रोना मेरा बेटा, मत रोना। और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैं आके सुना, ओ बिहुरेनो बिरीना, ओ आयता बिहुरेनो बिरीना पार। सो आई वांटेड टू बी ऑलवेज एन इटर्नल ट्रेवलर, तो इसलिए एक गाना लिखा था, आमी एक जाजाबर, आमी एक जाजाबर, पृथ्वी आमाके आपन करेछे, भूले छी निजेर घर, घर ही भूल गए, सारा दुनिया हमारा घर हो गया। तो गुलजार जी ने बहुत अच्छी तरह से इसको रूपांतर किए थे, यायावर ट्रांसलेशन किए हैं, आवारा जी, हाँ आवारा हूँ। की बात सुनी, ऑटोवा होके ऑस्ट्रिया होते पेरिस की रात चुनी, मैंने इलोरा के सारे रंग शिकागो में जा उड़ाए, और कालिब के शेर बुखारा के मीनारों पे गुनगुनाए, मार्क ट्वेन की समा पे गोरकी की हाल कही, रास्तों के गलियों के लोगों का प्यारा गया,
फारगी को मंजिल बना लिया। मैंने देखी है कहीं गगन चूमती ऊंची अटारी और खाक छानती दिखी है वही जिंदगी बेचारी। कहीं देखी है कभी चौखटों पर झूलती फूलवारी मुरझाई कहीं खिल ना सकी एक कली बेचारी। मैंने देखे हैं जमीन पे कई बुझते हुए सूरज जलता है जो आकाश में वो रात का तारा हूँ गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉक्टर भूपेन हजारिका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत।